शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश केसरिया बालम, आओ हमारे देश। और इस एक्सीडेंट में मेघ सिंह की जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए। उठिए बाबा। कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। जेएसी फाइल के पन्नों में तुम्हारी कही बातों की सच्चाई है, तुम्हारे को इसे बचाना होगा, ठाकुर साहब तक इसे पहुंचाना ही होगा। सच्चाई से घर में ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया जिससे पूरे परिवार के बीच माहौल ही बदल जावे, और तब फिर से मारे पर ही ये इल्जाम आ जावेगा कि मैं ही अपनी बहन की खुशियां ना देख पा रही हूं, इसलिए पूरे परिवार को तोड़कर बिखेर देना चाहूं, तो क्या होवेगा। स्वार्थ के वास्ते इस हंसते खेलते परिवार को बिखरने ना देना चाहूंगी। ससुर सा, मारे को माफ करना। जे आपकी मौत की वजह इस फाइल में बंद भी है तो भी आज के दिन तो मैं इसका जिक्र भी किसी से ना कर सकूं। जब आपकी मर्जी होवेगी तभी अपने आप इसकी बात छिड़ेगी, और तभी महाराज इसके बारे में किसी को बताना सही होवेगा।
अनजान बने रहने में ही सबकी भलाई है। कहीं ताईसा और मामासा को मालूम पड़ गया कि ये फाइल जली ही ना है तो क्या होवेगा? ना, ऐसे में ये भी किसी को पता ना चलना चाहिए कि हमारा हाथ कैसे चला। हमारे को तो अब तक यकीन ना हो रहा है कि ये फाइल जलकर राख हो गई है। ईश्वर उस फाइल की आत्मा को शांति देवे। बहुत परेशान कर रखा था उस फाइल ने जीजी। अरे हसो जीजी, आपको क्यों साफ सूंघ गया है? हमारे को सांप इस वास्ते सूंघ गया है क्योंकि जिस नागण को हमने इतने सालों तक पिटारे में बंद करके रखा था, अब वो अपने फन फैलाए पूरी हवेली में घूम रही है। कहीं उसे फाइल को लेके हम पर शक तो ना हो गया? जीजी, किसकी बात करके मारे को डरा रही हो? रुक्मी की? रुक्मी के देख लेने से क्या फर्क पड़ता है? मैं गायत्री की बात कर रही, अपनी सौतन की। कहीं गायत्री ने वो फाइल पढ़कर कोई जानकारी तो हासिल ना कर ली? अब जीजी ऐसी बातें मत करा करो जीजी। जब भी खुश होने का मौका आता है परेशानी के बादल छा जाते हैं। मैं इस मामले में बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मैं चुप ना रह सकूं। मारे को पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या सोचकर गायत्री ने पहले वहां से फाइल उठाई और फिर कचरी को देकर रणबीर के रूम में रखवा दी। कहीं रुक्मी ने तो गायत्री से शिकायत ना की थी कि हम रणवीर के कमरे से फाइल लेकर निकल रहे थे? अरे जीजी, क्यों अटकलें लगाकर मेरा बीपी बढ़ा रही हो? मने एक बात बताओ जीजी, गायत्री जीजी को हिसाब किताब करना आता है? यही तो पता लगाने जा रही हूँ उसके कमरे में। अरे जीजी, क्यों मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने जा रही हो जीजी? यदि उन्हें उस फाइल की असलियत का पता लग गया ना तो आप पे शक हो जाएगा। सुमेर में कुछ ऐसा करूंगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी, समझो? वाह, जीजी भी मारी तरह में साड़ देने लगी है। बढ़िया है, सब पे मारा असर हो रहा है, समझो? मारे कमरे में क्यों? थारा कमरा मारे कमरे से दो चार कोस दूर है कि मैं आ भी ना सकूं? ना, अब इतने सालों में तो मैंने कभी थारे को अपने कमरे में देखा ना, तो थोड़ी सी हैरानी तो हुई। यूं हैरानी का नाटक मारे सामने मत करो, जैसे उस दिन बेहोश होने का नाटक किया था सबके सामने। ये तो के बोल रही है? झूठ भी तो ना बोल रही। थारे को इस कमरे से बाहर निकलने का मौका क्या मिल गया? तूने घर के साथ साथ मारे बीन को अपने बस में करने के लिए बेहोशी और बीमारी का नाटक करना शुरू कर दिया। वो नाटक ना था चंचल, मारे को सचमुच चक्कर आ गया था। वाह, बड़ा मौका देख के आया था चक्कर थारे को। मैंने रुक्मी के माथे का सिंदूर के मिटा दिया, थारे को घड़ी चिंता होने लगी और तूने मासा के कान भरने शुरू कर दिए। एक बार कान खोल के सुन लेना गायत्री, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मारे से इस हवेली की मालकिन होने का हक तू ना छीन सके। छोरा दिया है मैंने, वारिस दिया इस हवेली को जो तू ना दे सकी। ठाकुर सा सिर्फ मारे है। तुम्हारे को इतनी जली कटी क्यों सुना रही है? मैंने थारों के बिगाड़े हैं। बिगाड़ने की कोशिश तो कर ही रही हो। जब दीप, पद्मा, रणबीर और रसाल पूजा के लिए जा रहे थे तो कैसे मारे बीन के पीछे पीछे बड़ी मालकिन बनकर आई थी कि मैं जान ना सकूं कि थारे मन में क्या चल रहा है? मैं तो सिर्फ
जी पद्मा रणवीर और रसाल को आशीर्वाद देने आई थी, संतान को आशीर्वाद देने आई थी। वाह, जिसे खुद औलाद का आशीर्वाद ना मिला वो दूसरों को औलाद का आशीर्वाद देने आई थी। भगवान ने चाहे मुझे संतान को वरदान न दियो तो क्या मेरे अंदर की ममता भी खत्म हो गई, जो मैं आशीर्वाद भी न दे सकूं। चाहे मेरे संग जो भी हुआ हो पर मैं घर की खानदान की खुशियां हमेशा चाहूं। जे थारे को सबकी खुशियों की इतनी ही परवाह है तो क्यों उस फाइल को कचरी के हाथों रणबीर के कमरे में भिजवाई? मारे को लगो शायद वो रणवीर के किसी काम की हो। क्यों, दीप की ना हो सके है? या फिर उस फाइल को पढ़ के आपको ये लगा कि वो रणवीर के काम की है? यकीन जान चंचल, मारे को क्या जरूरत पड़ी थी फाइल को बांचने की? मैं क्या जानू हिस्सा किताब फाइल रो आरे तो पल्ले भी कोनी पड़े, मैंने तो खोला तक ना फाइल को। बस यही तो जानना था मारे को तारे से। ऐसे ना देख चंचल, मारे से भूल हो गई, जो मैंने कजरी को रणवीर के कमरे में फाइल रखने को कहा, दीप के काम की भी हो सकती थी फाइल, यही मारे से भूल हो गई। मैं भी तो थी हवेली में, तुम आके मारे को भी दे सकती थी, पर थारे को तुम्हारे दीप से ज्यादा रणवीर की चिंता पहले हो गए। ना ना चंचल, ऐसी बात ना है। बड़े ठाकुर साहब और सभी पूजा से लौट आए हैं, आप लोगों को बुलायो है। सुन ली थारी बात, जा अठे से, मैं आ रही। मारे से ज्यादा जल्दी है थारे को नीचे जाने की? मारे इतनी बातें सुनने के बाद भी, देख गायत्री, अगर तू इस कमरे से ना निकली तो मारे को भी अठे आने की जरूरत ना पड़ेगी। भगवान जी महाराज, ये दोनों बेटे और मारी बहुओं को जल्दी से संतान का सुख देना। और भगवान जी महाराज, हमारे बेटे दीप और हमारी बिंदनी को तो बेटा ही देगा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा के? अब बेटा ही तो वंश को आगे बढ़ावे, और इस हवेली की जिम्मेदार बिंदनी होने के नाते मैं ये ना सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अरे ना भाई, थारी कामना से किसी को एतराज ना है। भगवान छोरा दे या छोरी, खुशियां तो घर में ही आवेंगी ना। अरे दोनों ऐसे ही खड़ी हो, अपने अपने बेटे और बहू की आरती उतारो, कल से दोनों ने कुछ नहीं खाया। अपने बेटे और बहू का स्वागत करने वास्ते बाहर नहीं आई? कुछ देर पहले तो अठे ही देखा था मैंने गायत्री जी को, पता नहीं कहाँ चली गई, मैं देख कर आती। नहीं तुम अठे रुको, मैं जाकर देख के आता हूँ। मासा आप भी थक गई होंगे। दीप, रणवीर, तुम दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी दादी सर। चलो मासा। मासा मैं भंडारे होकर आती। हाँ बीबी, थोड़ा जल्दी आ जाना। मासा मामा से खाते
बैठी ना, चल मामा साहब के कमरे में जाके बात करते हैं। चलिए से गर्म पानी में हाथ डाल दिया था, ठीक हो जाएगा ना। मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है। कहना गर्म पानी में हाथ डाल दिया था। नहीं, मैं अभी थारे हाथ के बारे में ना पूछ रही हूँ, मैं तो इतना पूछ रही हूँ कि मारी सासू मासा और मामू सा ने मिलकर। जीजी आप तो जरूर कोई गलत फहमी हुई है लगे, ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। अच्छा आप बताइए, बठे मंदिर में पूजा ठीक ठाक हो गई ना? आपने ध्यान तो लगाया था पूजा में? कैसे ध्यान लगाती, सारा ध्यान तो अट्ठे लगा हुआ था कि मारे पीछे मामू सा और सासू मासा कुंवर सी हाथ की सफाई दिखाने वाले। पूजा के समय ना मैंने कुंवर सा के मोबाइल पर एक मैसेज पढ़ियो है, और मैसेज था काम हो क्यों है। मारी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी हाथ की सफाई है, मारे को बताते। तुम्हारी आंखों से बता सकूं कि तुम्हारे से झूठ बोल रही है। तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी कि मारे पीछे इन दोनों पर नजर रखना, क्योंकि मारे को विश्वास है कि दाल में जरूर कुछ कड़ा है। जी जी ऐसा कुछ भी ना हुआ जिसका आपको डर था, मारा विश्वास करो। तो चल मारे साथ। अरे कटर जी जी मैं बताऊं तो चल तो सही। पर दाल छोड़, चल चल। अब बता मारे को, देख अठे तो हमारी बातें सुनने वाला भी कोई ना, जल्दी बता। जी जी ताई सा और मामा सा ने मिलकर ऐसा कुछ ना किया है, आप भरोसा करो ना हमारी बात पर। देख रुक्मी, तूने मारे को वचन दिया था कि मारे पीछे से तू सासू मासा और मामू सा पर नजर रखेगी, और मारे को बताएगी कि ये दोनों मिलकर मारे जीवन में कौन सी विघ्न लाने वाले। देख मारे को बताते, मारा भरोसा तोड़कर तुम्हारे प्रेम को नफरत में ना बदल, ना बदल रुक्मी। जी जी मैं आपसे कह चुकी हूँ ऐसी कोई बात ना है, आप मारे पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। ठीक है रुक्मी, चल अपने काना को छूकर मारे से कह दे कि अठे कुछ नहीं हुआ है। जो तू कहेगी मैं मान जाऊंगी, और उसके बाद मैं एक सवाल न पूछूंगी तारे से, अठे से चली जाऊंगी। चुप क्यों है रुक्मी, अपने काना को छूकर मारे को बता। तुझे तो अपने काना पर सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा विश्वास है। कहा अपने काना दा की कसम, थारे को काना की कसम है रुक्मी, पता मारे को मैं थारा जवाब सुने बिना अट्ठे से ना जाऊंगी। हे काना दा, कोई तो रास्ता दिखाओ मारे को, मैं आपको छूकर झूठ कैसे बोल सकूं। और जे सच्चाई बताऊं तो कहीं वो आज चली फाइल पूरे परिवार में आग न लगा दे। की करूं मैं काना दा, रास्ता दिखाऊं मारे को।